for it. कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपकी रिट्स एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। हाँ यार, ये वही वीडियो है जिसका आपको बेसब्री से कब से इंतजार था। तो हम कर रहे हैं आज प्रैंक ऑन यश चौधरी Part-4। जिसने Part-1, Part-2, Part-3 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी देख लेना। और आज की जो स्टोरी है ना, उसमें बहुत ही मेहनत लगी है, जिसमें मेरा साथ दिया पूजा ने। ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और यश इसको नहीं जानता है यार, तो बहुत दूर से इनको बुलाया है। तो बहुत ही धाकड़, बहुत ही धमाकेदार प्रैंक होने वाला है आज उस पर। तो अभी क्या होने वाला है कि मैं यश के पास जा रही हूँ, कैमरा ऑलरेडी सब सेट है, एरिक तो सामने है अभी शूट कर रहा है। तो एरिक अभी मेरे को और यश को लेगा फ्रेम में, तो उसके बाद वीडियो की जो स्टोरी है वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, अब चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं मिलती हूँ वीडियो के बाद। दे देना यार। क्या दे दूं, हमेशा खोस लेते हो मेरी, 5 रुपए की नहीं आती, 115 रुपए की आती है। नहीं, हमेशा मेरी खोस लेते हो, मैं नहीं दे रही, अपनी खरीद लो ना। का है पैसे, का है पैसे, का है पैसे, है मुझे देना पैसे, है पैसे, है पैसे, दे दो ना यार, 10 रुपए दे दो यार, गरीब हो तुम, गरीब हो यार, और बताओ तुषार नहीं आया क्या अभी तक? आने वाला है, फोन किया है मैंने उसको। कुछ ज्यादा लेट आ रहा है तुम्हारा बंदा आजकल, होता है यार कभी कभी, सबके अपने अपने काम। चलो ले ले यार, गरीब पे तरस आता है, तुम भी याद रखोगे। चैनल ठीक चल रहा है, खाली है ना? हर बार की तरह मेरा, तुम्हें तो पता ही है मजाक करने की आदत है। मन तो करता है तुम्हारे से बहुत ज्यादा मजाक करूँ यार, करती रहूँ सारा दिन, कोई बात यार होता है कभी कभी। और ब्रो क्या हाल चाल, बढ़िया? लेट आने लग गया यार तुम आजकल, लेट आ रहा है, मेट्रो लेट हो गई कोई नहीं भाई, कोई नहीं। चलो यार, पता है एरिक भी आ गया, मेरे को जाना है, तुम दोनों शूट अपना कर लेना यार। नहीं यार, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है शूट करने का, और लोग ढूंढने पड़ेंगे, तुम्हें तो पता ही है। चाय पे मिल जाना। हाँ, चाय वाले पे शूट करते ही। पक्का ना? पक्का, बाय। यश चौधरी ना, मैं ना तुम्हारी सारी वीडियो देखती हूँ, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू टुडे कि मैंने आपको आमने सामने ऐसे देख लिया। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। पूजा, और आप यकीन नहीं करोगे, जैसे आपकी वीडियो रिलीज होती मैं वैसे ही देखती हूँ। सो मच यार, आप लोगों के लिए तो करते ताकि हम सपोर्ट करते रहो। नहीं, आपको ऐसे आमने सामने देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी यार, मैं आप ही लोगों के लिए तो करते हैं कि मतलब आप लोग देखो, आगे बढ़ाओ, शेयर करो। थैंक्स दैट यू आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। तुषार हाय, तो दिखाते हैं आपका काम भी बहुत अच्छा होता है, पर आपका तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, दिल से बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। और अभी क्या कर रहे हो आप? शूट पे जाएंगे बस, निकलेंगे। अच्छा, आपके पास 5 मिनट का टाइम होगा बस? हाँ, बैठ जाओ, 5 मिनट कोई दिक्कत नहीं। वो ना एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है। ओ भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और बर्थडे वाले दिन मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिल गया। नहीं यार, देखो आई एम वेरी कॉमन गाय यार, मैं भी एक नॉर्मल बंदा ही यार, सब लोग के आज तक के जितने भी बर्थडेज हुए उनमें बेस्ट गिफ्ट मेरा यही हुआ कि मैं आपसे मीटिंग हो रही मेरी। मैं बड़ा मामूली सा बंदा हूं। नहीं तो अभी ऐसा आप केक कट कर लेंगे मेरे साथ? केक लेके आई हुई हूँ मैं, वो मुझे एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ करना था, पर साथ ही काटना यार, समझा करो बात। आपसे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता मेरे लिए। नहीं प्लीज, अगर आप ये केक मेरे साथ कट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, प्लीज। हमें ना पता है शूट पे भी जाना था, बस 5 मिनट की तो बात है, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतना तो मेरा दिल रखने के लिए आप कर ही सकते हो। नहीं यार, बैठ जाएगी मैं। Please,
आप क्या करते हो? मैं बस ये समझ रही कि आपकी वीडियो देखती हूँ। वैसे अच्छा कि आपने केक के साथ आया, पता क्यों? हाँ। नहीं तो मैं भी सोचता चलो यार कहीं पे काटने चलते हैं साथ में, अभी बोलता भाई से कि यार इनका बर्थडे है। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। कौन सा फ्लेवर है ये? वनीला। वनीला पाइन एप्पल लग रहा है मुझे। ओके पाइन एप्पल। हाँ पाइन एप्पल भी है यार। थोड़ा सा खिलाना पता है जरा सा। पता है मेरा ना आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड या कोई मेल फ्रेंड नहीं रहा। सीरियसली? हाँ। और मुझे मेरी ना बहुत बड़ी तमन्ना थी कि कोई बर्थडे वाले दिन यू नो पूरा केक से मल दे मुंह को, स्मैश कर दे अच्छे से। नहीं यार देखो ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हो तो मेरे लिए ऐसा कुछ प्लीज देख लो। इतनी बड़ी फैन हूं मैं आपकी। अरे नहीं यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है। फैन हो ठीक हो, आपको भी घर जाना है, आपने अच्छे से ग्रूम किया हुआ है, वो ग्रूमिंग खराब हो जाएगी यार। नहीं वो क्लीन हो जाएगा, बस ये समझ लो कि मेरी विश है कि नहीं समझा करो यार, मैंने ऐसे नहीं किया कभी भी, मैं ऐसे नहीं कर सकता। आप अपने फैन का ऐसे दिल दुखाएंगे? फैन का हो यार, आप तो फैमिली हो हमारी, ऐसे थोड़ा होता है। तो फैमिली मेंबर के लिए आप बर्बादी होती है पता है, ये सब करना। मैं थोड़ा सा कर सकते हैं, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आप ये समझ। ऐसा करने से बढ़िया है जो लोग होते हैं ना गरीब जिन्हें खाना नहीं मिलता उनको दे दो, लेकिन यार ये प्लीज मुंह पे मत लगा। पर इतने से केक से किसी का पेट थोड़ी ना, चिड़िया का पेट भर जाता है इतने से केक। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि कभी मैं आपके मुंह पर अप्लाई कर सकती हूँ प्लीज। पता ये गलत होता है केक वेक लगाना, बहुत सारी चीजें गलत होती है फिर भी हम करते हैं ना। आप अपने फैन के लिए इतना नहीं कर सकते, आपको पता है, कभी नहीं किया। आपको ये बात पता है कि आपके फैन से तभी आप इतने बड़े स्टार हो। नहीं यार मैं अभी मेहनत ही कर रहा हूँ, स्ट्रगलर हूँ, आई एम नॉट अ स्टार। जो भी है जितने भी आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हो हम लोगों के कारण ही हो। वो तो मानता हूँ लेकिन यार फिर भी तो पता है वेस्टेज है। हम आपके पीछे इतना टाइम अपना लगाते, आप दो मिनट मेरा दिल रखने के लिए एक काम नहीं कर सकते? आप आज अगर वीडियो पर कुछ भी कह दे, जान देने के लिए कह दे, मैं जान दे दूंगी आपके लिए। नहीं 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 यार मुझे जाननी चाहिए, मैं तो स्ट्रगल नॉर्मल हूँ प्लीज। मैं थोड़ा सा लगा दूँ यार पता मुझे यार शूट पे भी जाना था। देखो यार और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी लगाएंगे तो। नहीं यार देखो मैं नहीं लगा सकता सीरियसली, प्लीज प्लीज यार बस इतना से काफी है। क्या हो गया? आप कौन? अरे ये यहाँ पे ऐसे मिल रहे थे ना तो केक लगाने के लिए। अच्छा कोई अननोन बंदी आई है तो तुम केक लगवा रहे हो फिर? नहीं यार ये वीडियोस वगैरह देखते हैं ना हमारी, तो इन्होंने बोला कि ये केक खाना है, सेलिब्रेट करना इनका बर्थडे। ये कौन है आपके? कौन है ये? मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड है। अच्छे बॉयफ्रेंड या फ्रेंड? कभी बॉयफ्रेंड कभी फ्रेंड। नहीं नहीं ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड है, हम इतने अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नहीं नहीं हम इतने अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो किसके साथ करते हैं ऐसे टाइम स्पेंड? ये कौन है? कौन है ये? इश कौन है ये भाई? नहीं यार यही है ना तुम्हारी असलियत? अभी नहीं यही है ना तुम्हारी असलियत? कौन है ये? अगर बंदी नहीं है तो फिर केक कैसे लगवा रहे हो फेस पे? अरे इन्होंने किसी बोला से भी लगा लो, वीडियोस देखती हूं इनका बर्थडे, इन्होंने बस मेरे से विश करने अच्छा। के लिए बोला। नहीं सच में मेरा तो फोन रह गया था, मैं फोन लेने आई थी। चलो सही है, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, पता लग गया कि तुम कैसे इंसान हो। ये है तुम्हारी असलियत, रियलिटी है ये। मैं नहीं जानता, मुझे उनका नाम भी नहीं पता यार, मुझे नाम भी नहीं पता। वो बंदी झूठ बोल रही है, एक लड़की झूठ बोलेगी यार? आप देखो ऐसे मत करो, मैं बता रहा हूँ हम ना भी जल्दी हाल फिलहाल में रिलेशन में आने वाले हैं। ऐसे कह रहे हो मुझे यार? मैं नहीं जानता तुम्हारे सर की कसम, मैं जानता भी नहीं हूँ। मेरे सर की कसम मेरे को मानना चाहते हो? नहीं नहीं मैं तो जानता भी नहीं हूँ यार, प्लीज कसम भी झूठो यार। प्लीज यार मुझे नहीं पता ये क्यों कर रही है, लेकिन मैंने जानता नहीं। तुम नहीं जानते, इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, इतने दूध के धुले हुए नहीं हो तुम, ठीक है? जानते यार प्लीज बता दो यार, फ्रेंडशिप के लायक नहीं हो। क्या बता दूं, क्या बता दूं, हर चीज मैंने तुम्हें प्रायोरिटी पे रखा और तुमने क्या किया आज? आप मुझे जानते नहीं हो, बोल दो ना प्लीज यार। नहीं मैं आपको जानती हूं, हम टाइम स्पेंड करते हैं। क्या बोल रहे हो तुम, सच क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अरे मैं नहीं जानता इन्हें। मतलब तुमने आज मेरे को रियलाइज करा दिया ना कि मेरा डिसीजन सही था रिलेशनशिप में ना आना तुम्हारे साथ? नहीं यार थोड़ी तो शर्म करो, भगवान से डरो यार। यार प्लीज आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा यार, प्लीज। मैं क्या कर रही हूँ? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, बिलीव मी। भाई मैंने जानता ही नहीं हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरी शर्म नहीं है, मैं नहीं जानता यार। अच्छा वो लड़की झूठ बोल रही है, वो पागल है, साइको है वो। मैं क्या कर रही हूँ, कौन है, मुझे नहीं पता भाई। इन्होंने मुझसे कहा कि ये वीडियो देखती है बस,
अच्छा वीडियो देखती है तो तुम किसी से भी अपने फेस पे केक लगवा लोगे। बर्थडे आज उन्होंने बोला, इनका बर्थडे, इन्होंने बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कर लो 5 मिनट। तुम्हारे पास इसका नंबर है ना? हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। अच्छा ये अननोन है, अगर ये फैन है तुम्हारी तो उसका नंबर तो होना नहीं चाहिए। मेरा फोन का है, मेरा फोन नंबर हुआ तो बात पता चलेगी ना भाई। नहीं है यार, नहीं है। अच्छा तुम बोल रहे ना तुम्हारी फैन है। इन्होंने बोला हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने हमने यहाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था। क्या चक्कर क्या? आप तो मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओगे समझाओगे कि ये नहीं पता वो कौन यार, ऐसे क्यों कर यार, ऐसे कैसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अभी तो हमारी बातें हो रही थी, अब सब प्रोग्राम फिक्स हुआ है। यकीन मानो, देखो अन्य अन की कसम खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है। तुम्हारे पास नंबर है इसका? हाँ मेरे पास नंबर है, पर मेरा फोन गाड़ी में रह गया है। हमें यहाँ मिलना था, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाह रही थी कि फोन बार बार बजे। शिट यार, शेम ऑन यू। बात सुन यार, मेरे बोलने मैं सुनूं तुम्हारी बात? तुम मेरी बात सुनो, आज मैं मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना है मनहूस, समझे? अरे यार तू जानता भी नहीं यार, तुम नहीं जानते। केक लगवा लोगे? केक लगवा लोगे किसी से मुंह पे? केक लगाऊं तो तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़? नहीं 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 नहीं, तुम जैसे लोग ना लायक नहीं होते दोस्ती के। हमेशा मैंने प्रायोरिटी पे रखा अपनी दोस्ती को, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इस लायक ही नहीं हो। आप इनको ऐसे कैसे बोल रहे हो, इतने बेइज्जती के साथ? क्योंकि यार हम लोग रिलेशनशिप में आने वाले थे। ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम अब मुझे तुमसे पता चला कि माना करो मेरी बात को, समझा करो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं इसी के साथ 2 दिन की आई लड़की, पता चलेगा ना। और तुम भी रहो इसके साथ, लायक नहीं हो तुम दोस्ती के। यार मैं आपने क्यों किया यार, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। एक्चुअली आप मुझे अच्छे लगते हो यार, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था ना मेरे को। वो पता है मैं उससे कितना क्लोज हूँ यार। आपने जब वीडियोज में उसको भी देखा ना साथ में, आपको सब कुछ पता है यार, फिर भी आपने ऐसे गलत किया यार, नहीं करना चाहिए था यार आपको। ये बात तो खैर मुझे पता नहीं पता ना यार, आपने सब खराब कर दिया, मतलब मानेगी भी नहीं यार वो उससे। चलो मैं सॉरी बोलती हूँ अब इस काम के लिए यार, बाकी मेरी तरफ से कुछ हो सकता होगा तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ये जो किया है ना आपने, थैंक यू सो मच। बाकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, इसके लिए थैंक यू सो मच यार। ये ले जाओ यार आप यहाँ से। थैंक यू, वैसे आपने मुझे मेरे बर्थडे पर सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। आपने मेरा तो सब कुछ छीन लिया था यार अपने बर्थडे पे। रज के रुलाया, रज के हसाया, मैं ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। तनु इतना मैं प्यार करा। हेलो, तुम्हारी बंदी भी बगल में खड़ी है, तुम्हें चुप कराने आई है। अच्छा ये रो क्यों रहा है? मेरी बंदी नहीं है ये। अच्छा मैं नहीं जानता। तुम्हारी बंदी कौन है फिर? कौन है? कोई नहीं है। अच्छा तू भी नहीं है? तुम रोते हुए बहुत प्यारी लग रहे हो यार वैसे। और जोर से रो, और जोर से, और जोर से। ये पता है आज ना मेरे को कोई कंटेंट नहीं सूझ रहा था। बैंक ऑन यश चौधरी Part-4 ही। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? बंदी नहीं थी यार। इसको थप्पड़ मारा? कैमरा लगा हुआ है, तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। तू लगाया कैमरा? जानते भी नहीं था ये कैसे कौन करता है यार, मतलब कितना बुरा लगा मुझे। मैंने कहा यार मैं तो जानता भी नहीं, जबरदस्ती कोई आया यार। बता तो देते, कुछ तो हिंट देते कि ऐसे होना है क्या नहीं है, कुछ तो बता दे। मुझे थप्पड़ मार दो। तुमने ऐसे कैसे कर दिया यार, वो भी इस तरीके से? इतना गंदा कोई मजाक करता है क्या? मजाक और प्रैंक के करे जाते हैं। तुम क्या करते थे वो? यार ये नहीं था, ये ऐसे नहीं होता। मैंने देखो पिछली बार भी मना किया था जब तुमने हस्बैंड वाली वीडियो बनाई थी, मत करना यार, मेरे को ना तकलीफ होती है बार बार, बहुत तकलीफ होती है। सॉरी।
बट ऐसे कौन मजाक करता है यार, देखना इतने मैं काम के लिए आया, मेरे को सडनली कोई ऐसे सरप्राइज देगा तो कैसे होगा यार। तुम्हें बता दो हमारा साथ होता है और ये कोई तरीका होता है, किसका आइडिया था ये? मेरा ही था और मैं नहीं डालती करने के लिए बुलाया था, बट प्रैंक फेल हो गया शायद, क्योंकि तुमने मुझे थप्पड़ चेप दिया ना इतनी जोर की आवाज़ आ रही है। तकलीफ होती है यार, इतने कोई करता है क्या किसी के साथ में? तो तुम थप्पड़ मार दो, मार लो मुझे यार। ठीक है चलो एंजॉय योर लाइफ, मूड खराब है शूट तो होगा, चलो चल रहे वैसे भी चलो। तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे प्रैंक कौन करता है यार, खासकर किसी अपनों पे, इतना गंदा कौन करता है यार। यार आपको तो सोच रहा है इतना दिल वाली बात होती है। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। चलो अभी यहाँ से एक बार चलो, ना जाऊंगा, आप जाओ यार। चलो यार चलो प्लीज, आप जाओ यार। मैंने बोला ना चलो, चलो मैं इतना गंदा मजाक किया यार। अच्छा ठीक है, आप कैमरे में हाई कर दो कोई बात, मैं नहीं कर पाऊंगा, फेल हो गया, हाई कर दो कोई बात, हाई कर दो यार। कभी नहीं करेगी, पहले मुझे बता के बाद नहीं करेगा, आज के बाद कोई प्रैंक नहीं होगा क्योंकि तुमने मुझे चेप दिया ना इसलिए। लेकिन तकलीफ, आज के बाद कोई प्रैंक नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, बस ठीक है चलो चलो अब। वीडियो तो देख ली होगी आप लोगों ने, आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि मुझे पड़ा है चाटा बहुत ज़ोर की। और प्रैंक ऑन यश चौधरी ये वाला फेल हो चुका है, तो मेरे पास आज बोलने को कुछ नहीं है। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट कर देना और बस थैंक यू सो मच। अच्छी अच्छी वीडियो और लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, रिस्क लेते रहेंगे, हंसाते भी रहेंगे और कभी कभी खुद भी रोते रहेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और थैंक यू सो मच।